गुड मॉर्निंग दोस्त, आज हम नई सुबह में उठ गए हैं वापस सेम ही नया व्लॉग लेके। तो देख लो, उठे हैं, ठंड बहुत है, नहाने का मन नहीं है लेकिन नहाना पड़ेगा घूमने के लिए, फोटो भी तो अच्छी आएगी। शिव सिंह जी हम नहा के रेडी हो गए हैं, देखो बना जी रेडी हो गए हैं, इधर ये साहब भी एक रेडी हो रहे हैं और मैं अभी तक सो रहा हूँ। आज क्या प्लान है शिव सिंह जी आपका? शिव सिंह जी बताओ क्या प्लान है आज आपका? ऋषिकेश घूमने का है। ऋषिकेश और कहाँ कहाँ जाना है आपको? ऋषिकेश शिवपुरी जाने का। हाँ जी हाँ जी। नीलकंठ जाना, लक्ष्मण झूला, राम झूला देखने का, राफ्टिंग करने का भी मन है, देखते हैं। अच्छा अच्छा। ठंड बहुत है। ठंड तो बहुत है, बहुत ज्यादा ठंड है, भयंकर ठंड है। कल आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ा, कैसा लगा आपको? बहुत शानदार मजा। सब नहा लिए दोस्तों, मैं नहाने जा रहा हूँ। और देखो नहा धो के हम रेडी हो गए हैं और अब हम ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मैसूरी धर्मशाला है, ये एक होटल से कम नहीं है। देखो आपको मैं बताता हूँ, एक मैसूरी धर्मशाला है जिसमें हम रुके हुए हैं, ये कोई होटल से भी कम नहीं है। आपको मैं इसके रूम वगैरह सब बता देता हूँ। तो भाई धर्मशाला, इसको मैसूरी धर्मशाला बोलते हैं लेकिन एक होटल जैसी बनी हुई है। आप भी एक बार ज़रूर इसमें रुकोगे, हरिद्वार आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसमें अंदर रूम भी चार प्रकार के हैं, चार प्रकार में जिसमें हम रुके हुए हैं। एक जो एक सुपर यहाँ का डिलक्स रूम है, जो देखो भाई एक होटल से कम नहीं है, ये डिलक्स रूम है। इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 1000 रुपये पर डे है। और ये देखो अच्छे से अच्छा रूम है, इसके अंदर होटल जैसा है और सुविधा भी इतनी अच्छी और यहाँ का खाना भी इतना अच्छा है कम प्राइस में। और ये देखो भाई टेबल वगैरह सब कुछ है, जो एक होटल में मिल सकता है वो एक आपको मैसूरी धर्मशाला में मिल रहा है, बहुत अच्छा है दोस्तों। धर्मशाला में आपको बाहर को भी, बाहर से भी तो पीछे से भी बहुत बड़ी है ये, आगे इधर कैंटीन है, इधर नीचे धर्मशाला भोजनशाला है। तो ये देखो इतनी बड़ी है, इसमें एशिया वगैरह सब लगे हुए हैं। ये अखिल भारतीय मैसूरी सेवा सदन है, यहाँ पे हरिद्वार आओ तो एक बार बहुत सुकून मिलेगा, एक बार यहाँ पे रुकोगे तो। मतलब होटलों से भी बेटर सुविधा है और खाने का भी, और चार्ज भी मिनिमम है, इतना कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है इसका। जा रहा हूँ मेरी गाड़ी की ओर, गाड़ी भी साइड में थोड़ी खड़ी है, अभी यहाँ पे कोई काम हो रहा है मेंटेनेंस का, वरना गाड़ी इसके अंदर ही खड़ी रहती है। ये ऋषिकेश रोड है भाई, गाड़ी वापस वही है, कोई चेंज नहीं है अपने पास, जीप कंपास है अपनी। गाड़ी का मेंटेनेंस अभी सुधारना पड़ेगा, गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है, अभी तो क्या धोएंगे, कल जाके ही धोएंगे। और एक टायर में, गाड़ी में हवा भी कम पड़ रही है एक टायर में, तो हवा भी भरवानी है। इसके लिए हम निकल रहे हैं। देखो ऋषिकेश तो कभी जाए भाई, यहाँ पे जाम ही लगा रहता है क्योंकि यात्री है सब लोग, ऋषिकेश से बड़ा आनंद आता है वहाँ पे, राम झूला, लक्ष्मण झूला, पूछो मेरे। यहाँ पे देखो टेम्पू वाले आगे खड़े कर देते हैं। 22 किलोमीटर है, देहरादून इधर 40 किलोमीटर है, बद्रीनाथ तो अभी जाने का, तो भाई जाने का मन ही नहीं है वहाँ पे, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी कुल्फी। इसलिए भाई मैं तो इधर देखो ऋषिकेश तक जा सकूँ। आगे का मौसम आपको दिख रहा है कैसा है? बारिश आ गई तो क्या हाल होंगे भाई, पूछो मत। आप ये गाड़ी को स्लो स्लो चला रहा हूँ मैं, मेरी जिप को भाई। ये वादियाँ चालू हो गई है, ये देख लो मस्त व्यू है यहाँ का। ये भाई गाड़ी की हॉर्न बजा रहा है, मैं तो मेरे आराम से चलूँगा भाई, तू कितना ही हॉर्न बजा दे। ओ कितना बढ़िया मौसम है। ये भाई बालाजी टाइगर टूरिस्ट गेट है यहाँ पे, यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, शेरों से हमें डर लगता है और शेर दिखने को मिलेंगे नहीं ठंड में, कहीं बैठे रहेंगे। और अपन तो देखो इस वादियों में चल रहे हैं अपने आराम से धुन से। तो भाई देखो हवा भर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे हवा भरने वाला कोई नहीं है, अपने आप को ही भरनी पड़ेगी हवा। देखो भाई हवा कम पड़ रही है, भर रहे हैं इतना आप हवा भर रहे हैं इधर, वो हवा उधर, एक मिनट चेक कर भाई, अभी तक पता नहीं कितनी हुई है, एक बार और लगा खोल के भाई। तो भाई देखो ये चलो मैं अभी तो अभी आ रहे हैं ऋषिकेश की ओर, और यहाँ से ऋषिकेश 14 किलोमीटर और, लेकिन 14 किलोमीटर वाली बात नहीं है भाई, टाइम बहुत लगेगा क्योंकि जाम भी रास्ते में रहता है आधी घंटे। हम बाईपास जा नहीं सकते, इस भाई का बर्थडे हो रहा है आज, वरना बाईपास चले जाते, इस भाई का आज बर्थडे सेलिब्रेट करना है पहाड़ों में, तो वो ब्लॉग मैं दूसरा बनाऊंगा पूरा, वो जरूर देखना आप। लेकिन ये चलते फिरते मैं इसको एक बीच में बता देता हूँ कि भाई का बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे भाई, जोर से बोल भाई हैप्पी बर्थडे। तो देख लो भाई ये हम जा रहे हैं अब देहरादून, इधर देहरादून है, देहरादून की ओर कल देखेंगे, अभी तो हम ऋषिकेश ही जा रहे हैं आज। ऋषिकेश से आगे नीलकंठ वगैरह और ये सूखी नदियाँ हैं इधर, और मुझे भाई पहाड़ों से बड़ा प्रेम है। मैं आपको पता है हर हफ्ते तो नैनीताल या उत्तराखंड आ ही जाता हूँ इधर, उत्तराखंड नैनीताल भी उत्तराखंड में, उत्तराखंड या ऋषिकेश वगैरह आ ही जाता हूँ। ठीक है भाई ओके।
भाई हम देखो टिहरी गढ़वाल की साइड उत्तराखंड ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये धुंध की वजह से आपको नहीं दिख रहे हैं, तो अभी हम उन पहाड़ों के ऊपर जाने वाले हैं। ये सूखी नदी है, जो ये सूखी रहती है कभी कभी आती है ये, और ये देखो टिहरी गढ़वाल साइड में हम आ गए हैं, तो ऊपर पहाड़ों पर हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं भाई। अभी तो मैं स्लोली गाड़ी चला रहा हूँ। अभी हम बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर जा रहे हैं, तो आगे हम नीलकंठ भी जाएंगे। दो नंबर के साल भाई यहाँ से हिल स्टेशन स्टार्ट हो गया है हमारा, पीछे बद्रीनाथ केदारनाथ का रास्ता है, लेकिन हम बद्रीनाथ केदारनाथ अभी नहीं जाएंगे, हम बढ़िया व्यू देखने जा रहे हैं, बढ़िया सा बढ़िया नदी के किनारे। और ये हिल स्टेशन चालू हो गया भाई, ये देखो भाई यहाँ पे मैगी वैगी लोग खा रहे हैं, हमको मैगी वैगी कुछ नहीं खानी है। तो भाई ये देखो हिल स्टेशन आ गया हमारा, अच्छा अच्छा पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन अभी बरसात की वजह से क्या पेड़ पौधे सूख के हो रखे हैं, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये रात साइड को कोई पहाड़ वार गिर गया है तो ये जाम लग गया है, तो एक साइड से पहले वो गाड़ी आएगी फिर हम निकलेंगे, दूर दूर तक वही गाड़ियों की लाइन लगी हुई है दोस्तों। और हम आगे जा रहे हैं शिवपुरी, शिवपुरी में आपको गंगा जी का बहुत अच्छे से दर्शन करेंगे, बहुत अच्छी नदी चल रही है। तो ये देख लो ये पहाड़ों का नजारा आपको मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से, और थारा भाई आज फुल मूड में है भाई, तो आपको अच्छे से ब्लॉग बना बना के दिखाएगा। तो बहुत जंपिंग होती है, ऊपर से कूदते हैं भाई, अपन को वो कुछ नहीं करना है, मरने का कोई पैसा थोड़ी दिया जाता है, और ऊपर इतनी दूर से ऊपर से कूदाते हैं, जूम करके बताओ उसको। ये देखो भाई आपको मैं दिखा रहा हूँ ऊपर से वो कूदते हैं लोग, ऐसे अपन ऐसा काम नहीं करते भाई, अपन को डर बहुत लगता है भाई। हम पहुँच गए हैं शिवपुरी, शिवपुरी में आपको हम अच्छे से बताएंगे, आगे आगे गाड़ी आ जाएगी भाई, हम यहाँ से अच्छे से आपको दिखाएंगे यहाँ पे कितना मजा आएगा अपन को। देखो नीचे एकदम साफ नदी चल रही है, और हम वहाँ नदी के आसपास जा रहे हैं, और ये हमारी गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है ऊपर, और हम नीचे जा रहे हैं। राफ्टिंग होती है, तो कुछ दिन पहले मैंने यहाँ से राफ्टिंग की भी थी, आपको आपने देखा था मेरा व्लॉग कुछ दिन पहले मैंने यहाँ से की, जब मैं नहीं करूँगा अब, तो मैं यूँ ही आ गया, मेरा इच्छा हुआ था वापस। हम नदी के किनारे हम जाके कुछ देर बैठेंगे आराम से सुकून से। तो भाई देखो यहाँ पे कितना मस्त नज़ारा है भाई, यहाँ पे राफ्टिंग करते हैं लोग यहाँ से आगे तक, राफ्टिंग चालू हो गई है भाई, ये आगे ऋषिकेश तक जाएंगे यहाँ से। अभी मैं गंगा के किनारे बैठा हूँ आराम से सुकून से, और यहाँ पे अच्छी सी चैन सी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंड भी है लेकिन हवा बहुत आ रही है, सुकून आ रही है। यहाँ पे देखो पीछे ये गंगा मैया की, गंगा रेणुका बोलते हैं मिट्टी को, तो कितना आनंद आता होगा, आप देख लो कितना अच्छा व्यू और कितना साफ पानी है यहाँ पे, इस पानी को अपन पी भी सकते हैं क्योंकि ये गंगा माँ का पानी है। अभी मैं पी के दिखाऊंगा, और अभी मैं भी भाई पानी पी रहे हैं आराम से, बहुत अच्छा पानी है भाई, साफ पानी है, फिल्टर भी कुछ नहीं है इसके आगे, वो वहाँ से राफ्टिंग भी कर रहे हैं वो देखो लोग। मिट्टी देखो एकदम चांदी जैसी है, इसको गंगा रेणुका बोलते हैं अपन, और कितना आराम से यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और आपको अगला व्लॉग मैं आपको दूसरी मेरे वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये व्लॉग मेरा काफ़ी घूम लिया मैं इधर, तो यहाँ तक काफ़ी मिनट हो गए इसमें, तो आप लोग देखते देखते शायद बोर हो जाओगे। व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी व्लॉग बनाते हुए काफ़ी घंटे हो गए, और लिमिट भी हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए मैं दूसरा आपको ये सेम व्यू आपको दूसरे व्लॉग में बताता हूँ, और आज मैं दिन में क्या करता हूँ सारी चीज़ें आपको दूसरे व्लॉग में बताता हूँ, या आपको कुछ घंटों में मिल जाएगा या कल के दिन में मिल जाएगा ये व्लॉग, तो ये ज़रूर देखना दोस्तों आगे वाला भी। और ये और दोस्तों जब एक मैं बात बता दूँ आपको, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
ओके okay.